आदरणीय सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहीगण, बड़े भारी मन से और दुख के साथ आज मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ। पूरी रात कल मैंने शिवराज सिंह चौहान जी का सागर में जो उन्होंने स्पीच दिया वो देखा सुना, और एक स्पीच को तीन बार सुना, एक उनके भाषण को तीन बार सुना। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की जो मेरे मन मानस में उनकी जो प्रकृति थी, उनका जो व्यक्तित्व का दृष्टिकोण था, वो एक विनम्र और हार्ड वर्कर, एक इंसान के भाव से भरा हुआ था। मैं मानता हूँ इस बात को कि लोकतंत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कितना भी एक दूसरे के हम विरोधी क्यों ना हो, पर एक विचारधारा के रूप में अपनी अपनी मर्यादाएं हो सकती है, पर एक व्यक्ति के रूप में जिसमें जो अच्छाइयां हैं उसको हमेशा आत्मसात हमें करनी चाहिए। और जब हम आत्मसात करने की बात करते हैं तो मेरी विधानसभा की जितनी स्पीच होती थी, जब मैं विपक्ष में एज ए MLA लीड करता था, तो मैं हमेशा कहता था कि शिवराज सिंह जी चौहान की नीतियाँ खराब है पर उनका व्यक्तित्व अच्छा है। पर मैं पिछले कई दिनों से, पूरा एक वर्ष, मैं लगभग 10 बार ये बात बता चुका हूँ, मीडिया के सामने बता चुका हूँ, और आपको भी विजिबल अगर आप निकालोगे तो मिलेंगे कि जब से वो सत्ता से गए हैं, हटे हैं, उनका जो सत्ता में रहते हुए विचार था और सत्ता से बाहर हुआ, उस विचार में अंतर आया है। मुझे समझ से परे है कि एक व्यक्ति जो मर्यादा की राजनीति की हमेशा दुहाई देता था, एक व्यक्ति हमेशा प्रदेश के समृद्धि की कामना को सर्वोपरि रखता था, भगवान बताता था किसान को, और हमेशा एक ही लक्ष्य कि मध्य प्रदेश समृद्ध बने, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सोचता है, ये भावना उनकी बनी रहती थी। कल जब उनकी मैंने स्पीच सुनी तो जैसा मैंने कहा कि बड़े दुखी मन से, भारी मन से मुझे बताते हुए एहसास हुआ, मन में भाव बना कि शिवराज सिंह चौहान में इतना अद्भुत नेगेटिव यू टर्न के साथ परिवर्तन कैसे आया। वो आदरणीय कमलनाथ जी के लिए हमारे मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, 7.5 करोड़ जनता ने जिनको चुना है, उनके लिए उन्होंने कहा, कमलनाथ तू किस खेत की मूली है, ये शिवराज सिंह जी की भाषा तो नहीं थी। उन्होंने कहा, हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे, ये भी शिवराज सिंह जी की भाषा नहीं थी। ये शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री पद से हटकर ऐसा क्या हुआ कि शिवराज की निराशा, अभद्र अमर्यादित भाषा, आज लोकतंत्र में विरोध करना और विपक्ष का विरोध करना जायज है, करना चाहिए। सरकार इससे, जो जागरूक सरकार है वो हमेशा सतर्क रहती है और अपनी गलतियों से विरोध के कारण सुधार की ओर जाती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया, शिवराज सिंह चौहान पहले ओला पाला के लिए ध्यान मंजीरे बजाते थे, रात भर कीर्तन करते थे, तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि शिवराज सिंह जी, आप जब सत्ता में थे तो आपने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आंदोलन मुख्यमंत्री रहते हुए किए, जो संघी ढांचे को ठेस पहुंचाते हैं, संघी ढांचे के कुटराघात करते हैं। आपने कोयला की यात्रा की, संसद में धरना दिया, मार्च किया, कब किया, जब आप पद पे थे, मुख्यमंत्री पद पे, और देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और जब आज आप विपक्ष में, आपका दायित्व है कि आप 12 साल इस प्रदेश का आपने नेतृत्व किया, तो आंदोलन करना और जनता को गुमराह करना दो अंतर है। आंदोलन करना, जनता के हित में करना, हम आपका स्वागत करते हैं, पर जनता को गुमराह करना, झूठ के साए में अमर्यादित भाषा का उपयोग करके लोगों को बरगलाना, तालियां बजवाना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये जब मैं बात कर रहा हूं कि होश में जिस तरीके की भाषा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने बोली, वैसे ही नशे की हालत में
व्यापम के आरोपी जो एक वीडियो वायरल हुआ और हमने देखा, इस प्रदेश के पूर्व मंत्री शर्मा जी, क्या नाम था उनका, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उन्होंने साधना भाभी के लिए जो शब्दों का उपयोग किया, क्या इसमें और उसमें एक एकजुटता नहीं दिखती है? हम उसका भी विरोध करते हैं। एक कांग्रेस के व्यक्ति ने उस वक्तव्य को कहीं लीड नहीं किया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया कि एक नशे की हालत में आपका वो मंत्री जो साधना भाभी को राखी बांधता था, साधना भाभी से राखी बंधवाता था, और बाद में वो कहता है कि इससे भ्रष्ट महिला मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। हम इसकी निंदा करते हैं जो उसने बोला, पर आपका जो वक्तव्य और इस वक्तव्य में कितना अंतर दिखता है बताओ मुझे। वो तो नशे में बोल रहा है, आप होश में बोल रहे हो कि किस खेत की मूली है कमलनाथ। कमलनाथ उसी खेत की मूली है शिवराज सिंह जी, जिस खेत की मूली आप थे। 7.5 करोड़ जनता ने वोट दिया था और 12 साल आप 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे। मुझे दुख हुआ, बड़ा हताश और निराशा मन से और रोष से, गुस्से से घृण शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं। गुस्सा इस बात का कि उनकी भाषा में अमर्यादा है, और दुख इस बात का कि शिवराज सत्ता में रहते थे जब अलग थे और अब बदल क्यों गए। तो मैं कुछ तथ्यों की बातें भी आपसे करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी हमेशा प्रश्न उठाते हैं और सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, पर एक पक्ष वो बताते हैं, दूसरा पक्ष छुपा लेते हैं। अब वो उन्होंने यूरिया को लेकर गिरफ्तारी दी और कहा कि सही समय पर सरकार जागती तो यूरिया का संकट नहीं आता। मैं सरकारी वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं वो आप सब भी पता कर सकते हैं, और वो मध्य प्रदेश शासन की तो है ही है, पर देश के उर्वरक मंत्रालय की साइट पे भी हमारी डिमांड कब गई, कैसे गई, कब आवंटन होना था, कब किया, कितना रोका, ये सब हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान को कि इस साल पानी की अधिकता रही, वर्षा की अधिकता रही, सरकार सही समय पे चेती जागी और आवंटन जितना पिछले साल 15 लाख मैट्रिक टन हुआ था लिया था, उससे 3 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा 18 लाख मैट्रिक टन की डिमांड की केंद्र सरकार से। और कब की, जब केंद्र सरकार का सर्कुलर निकला, सारे प्रदेशों से डिमांड पत्र मांगा 1 सितंबर, ये वो तारीख है जिसमें सारे राज्यों ने लगभग 1 हफ्ते में डिमांड की। जब बरसात की स्थिति का पता चलता है कितना पानी है हर राज्य को, उसके बाद यूरिया राज्य शासन का मटेरियल नहीं है, का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यूरिया केंद्र शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, उत्पादक इकाइयां केंद्र के पास है। तो अगर संकट है तो दोषी नरेंद्र मोदी है या कमलनाथ है, जरा ये बताएं। शिवराज सिंह चौहान साहब, आपको ये बताना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को कि अक्टूबर माह में भारत सरकार ने 4,25,000 मैट्रिक टन आवंटन दिया गया, पर मांगा था, उसके बदले में 2,95,000 मैट्रिक टन दिया, 1,30,000 मैट्रिक टन कम दिया। क्यों, इसके लिए आपने क्यों बात नहीं की सदानंद गौड़ा जी से, क्यों बात नहीं की प्रधानमंत्री जी से, क्यों बात नहीं की कृषि मंत्री जी से, कोई एक पत्र लिखा? कांग्रेस ने कहा कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसदों आपके घर जाकर आंदोलन किए, उनके घर जाकर खड़े हुए हर जिले में, हर संसदीय क्षेत्र में, और कांग्रेस ने कहा कि राजनीति करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी को कहो कि आप हमारे हक का, मध्य प्रदेश के हक का यूरिया दो। तब आपको क्या सांप सूंघ गया था शिवराज सिंह चौहान, आप जब क्यों नहीं जागे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिसंबर माह में, चालू महीने में 4,36,000 मैट्रिक टन यूरिया की डिमांड थी, 7/12/2019 तक 1,52,000 मैट्रिक टन यूरिया मिला, 1,01,000 मैट्रिक टन फिर कम था। यह केंद्र सरकार का दोष है या राज्य सरकार का दोष है? हमने डिमांड की, आपने कहा कि इस महीने में हम इतना देंगे और मैं दिया, इसके लिए दोषी कौन?
तो ये ज्यादा लंबी बातें न करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि यूरिया को लेकर आप घड़ियाली आंसू मत बहाओ, और सही तरीके से शिवराज सिंह चौहान आप में थोड़ा सा पानी बचा हो राजनीति करने का, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक इकाइयां हैं वो अब आपको नेता नहीं मानती, वो चुनौती देती है पार्टी के अंदर आपको। सीएलपी लीडर कहते हैं मैं नेता हूं, राकेश सिंह कहते हैं मैं नेता हूं, और भी चार पांच नेता और मिलते हैं वहां, इसका मतलब है वो कहते हैं शिवराज सिंह अब हमसे छोटे नेता है। आपका अंदर अंतर द्वंद हो सकता है, मना नहीं, राजनीतिक क्षेत्र का मामला है करो, पर जनता को गुमराह मत करो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक पक्ष शिवराज सिंह चौहान का ये है और दूसरा पक्ष कमलनाथ का, जिनको कहा किस खेत की मूली है, वो जब केंद्र में मंत्री थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कभी नहीं देखा उन्होंने कि मेरी सरकार है या नहीं है। कमलनाथ जी ने हमेशा देखा कि मेरा मध्य प्रदेश है, मुझे सत्ता मिले ना मिले, मेरी पार्टी को मिले नहीं मिले, पर मेरे प्रदेश की जनता समृद्धि की ओर कैसे जाए, मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊं, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। मेरे पास आंकड़े हैं, आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूं और चाहो तो आवंटित भी कर सकता हूं। किस मंत्रालय में केंद्रीय सड़क मंत्री जब कमलनाथ जी थे, जब प्रतिदिन करीब 75 से 100 किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़कें बनती रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये केवल मध्य प्रदेश उस समय के रिकॉर्ड में आप देखोगे सब राज्यों से सबसे ऊपर था। तो कुछ तो मध्य प्रदेश के प्रति उनके प्रति उनके मन में समर्पण होगा, तभी हुआ। जब कमलनाथ जी विद्युत विभाग से संबंधित बातें आती थी, तो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के लिए खरगोन में सेमडा पावर प्लांट के लिए 42,000 करोड़ रुपया, 4,200 करोड़ रुपया। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के हित में केंद्र सरकार में जब वो मंत्री थे तब दिलवाए। ऐसे ही खंडवा जैसे छोटे शहर के लिए फिर से पेयजल और अधोसंरचना के विकास के लिए जब वो 106 करोड़ रुपए फिर इसी के साथ दिलवाए। कमलनाथ जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2014 में 6 नए छोटे एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के हित में केंद्र सरकार ने कमलनाथ जी से खंडवा बैतूल जैसे शहरों में कैसे बने इसके लिए काम चालू करवाया। ऐसे ही फतेहाबाद इंदौर मऊ रेल लाइन के लिए लगभग 250 से 400 करोड़ रुपया उन्होंने उस समय केंद्र सरकार के उससे जारी करवाया। और ये बात सिर्फ मैं एक मंत्री होने के नाते या कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान ने कई बार अपने वक्तव्य में कमलनाथ जी की इस संदर्भ में तारीफ की, और तारीफ इतनी नहीं की, अपने जनसंपर्क की वेबसाइट पर लिख के तारीफ की। तो शिवराज सिंह चौहान साहब थोड़ा तो झूठा पानी पी लो कमलनाथ का, थोड़ा सा पानी एक गिलास में से वो पी लो जो कमलनाथ जी जिस तरीके से सोचते हैं वैसा थोड़ा सोचने लग जाओ आप, किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। मुझे दुख है, इन सब मसलों को लेकर मैंने उनको एक पत्र लिखा है, और भी बहुत सी बातें हैं इसमें, क्योंकि संदर्भ अभी यूरिया का और गिरफ्तारी का था, संदर्भ उनकी अमर्यादित भाषा का था, संदर्भ शिवराज सिंह चौहान के बदलते हुए व्यक्तित्व का था, तो उस संदर्भ में मैंने पूरी बातें कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पत्र में मैंने उनसे अनुरोध किया है कि केंद्र से किस किस मद में कितना कितना पैसा राज्य सरकार का रोक रखा है, वो चाहे यूरिया का मैंने डिटेलिंग आपको दे दी, हमारे बीमे की राशि का पैसा हो, चाहे हमारे 6,200 करोड़ रुपए का डिमांड हमने अतिवर्षा का किया था, 1,000 करोड़ आवंटित किया उसके बचे हुए पैसे हो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, चाहे हमारे मदों की अलग अलग मदों की जो वित्तीय बजट का पैसा हमारा लगभग 6,500 करोड़ रुपया 6,500 करोड़ रुपया रोक रखा है उसकी बातें हो, ऐसी डिटेलिंग मैंने इसमें दी है। मैं शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करता हूं कि आप यहां गिरफ्तारी दो, आपका अधिकार है, देना चाहिए, देते रहो, हम आपका स्वागत करते हैं। पर जैसा आप पहले केंद्र सरकार के अगेंस्ट दिल्ली में जाकर धरना देते थे,
यहाँ के मध्य प्रदेश के निवासियों ने 28 सांसद आपके दिए हैं जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आपसे आग्रह है कि उन 28 सांसदों को लेकर एक बार सिर्फ उर्वरक मंत्री से मिल लो, अपना पक्ष रख दो मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री के पास जाने की हिम्मत शिवराज सिंह के पास अब नहीं बची, वो वहां जा भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है। इन मांगों को लेकर इतनी हिम्मत ही नहीं है शिवराज सिंह चौहान। इस मामले में अपने भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी से डरने वाला व्यक्तित्व है शिवराज सिंह चौहान का, ऐसा मुझे आभास होता है। हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, तो मेरी गलत फहमी को दूर कर दो और प्रधानमंत्री से भी मिलो आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इन डिमांड को लेकर आप प्रधानमंत्री से मिलो। जब आप मिल लो और फिर बात नहीं माने तो मैं एक सरकार का जिम्मेवार मंत्री होने के नाते, मैं कांग्रेस पार्टी का नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठूंगा, हर हालत में बैठूंगा और मेरी पार्टी के और विधायकों को भी बिठाऊंगा। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो फिर ये नौटंकी बंद करो, नाटकबाजी बंद करो। ये दोहरा चरित्र आपका, मैं समझता हूं जनता को गुमराह नहीं कर सकता है। आपको जनता ने इसीलिए रिजेक्ट किया कि आप जो बोलते हो झूठ बोलते हो। आपका व्यक्तित्व झूठ की धरातल पर टिका हुआ दिखता है। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए और नाटक करते रहे तो जैसा मैंने पहले कहा था, मैं आपके घर के सामने एक दिन के उपवास पे बैठूंगा कि शिवराज सिंह चौहान साहब दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक चरित्र बताओ, यहां विरोध करते हो तो केंद्र का भी करो, और अगर वहां विरोध नहीं करते हो और यहां सिर्फ जनता को गुमराह करते हो तो जनता को जागरूक करने के लिए आपके घर के सामने मुझे धरना देना पड़ेगा। तो आग्रह है, प्रार्थना है विनम्र आपसे हाथ जोड़कर कि आपका व्यक्तित्व एकदम विनम्र था जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। आप एक मृदुभाषी व्यक्तित्व है, इसका भी मैं कई बार बता चुका हूं अपने वक्तव्यों में, पर आप अपने इस व्यवहार को बदलो मत सत्ता से जाने के बाद, नहीं तो लोग कहेंगे, राजनीतिक लोग मध्य प्रदेश की मर्यादा से जोड़ेंगे इसको, पत्रकार मर्यादा से जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की जब मर्यादा की बात आती है तो मर्यादा में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, शिवराज भी आते हैं, देश प्रदेश का एक एक नागरिक आता है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश की मर्यादा और गरिमा गिराओ मत। धन्यवाद। पटवारी जी, आपने कहा कि इंडिया के